हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की बात का आज टॉपिक है राइबोसोम। इसे हम ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहलाता है क्योंकि इसकी साइज 15 से 20 नैनोमीटर होती है। ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से इसे मेम्ब्रेनलेस बोलते हैं। इसे 1953 में जॉर्ज पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उन्होंने यह भी बताया कि यह ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 80 डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं, जबकि आरएनए 3 टाइप का होता है, जिसमें से 2 टाइप का आरएनए ही इसे बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम को। आरआरएनए और टीआरएनए यही 2 स्ट्रक्चरल आरएनए हैं जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और साथ में यहां पर एमआरएनए का कोई रोल राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने में नहीं होता है। एमआरएनए के थ्रू राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और बच्चों, इसका मेन काम ही प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन कराना है। और इस दौरान अगर आप देखेंगे कि यहां पर एक होता है क्या बेटा, एमआरएनए, एक सिंगल होता है एमआरएनए, और इसके ऊपर आके सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ती है, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ती है, और इस तरीके से कई सारे राइबोसोम एक एमआरएनए पर, अगर बोला जाए तो यहां पर बोला जाएगा कि मेनी राइबोसोम, यहां पर मेनी राइबोसोम अटैच ऑन सिंगल, अटैच ऑन वन एमआरएनए। और इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं पॉलीसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है नीट के अंदर। नेक्स्ट आता है इस राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन होता है? न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर ही एक्टिव आरआरएनए की सिंथेसिस होती है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। अब बात ये करते हैं, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, और प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। अगर बात करें प्रोकैरियोट के अंदर तो 70S और इसे बनाने वाली लार्जर सब यूनिट 50S और स्मॉलर सब यूनिट 30S, और इसे 50S को बनाने वाले 5S आरआरएनए और 23S आरआरएनए, और 30S को बनाने वाले 16S आरआरएनए, जबकि यूकैरियोट के अंदर 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है। 70S का कंपोजिशन सेम होता है प्रोकैरियोट के जैसा, और 80S में लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर सब यूनिट 40S, मतलब 60-40-80 होता है, 50-30-70 होता है, और 60S को बनाने के लिए 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, 28S आरआरएनए, और 40S को बनाने के लिए 18S आरआरएनए। अगर आप कहें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर लार्जर सब यूनिट में कौन सा आरआरएनए कॉमन है, तो 5S आरआरएनए एग्जैक्टली कॉमन होता है। दूसरा आता है बच्चों कि आखिरकार यहां 70S जो है प्रोकैरियोट में कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ऑल इन ऑल केवल और केवल कहां पर? साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर 70S यूकैरियोट के अंदर कहां प्रेजेंट होता है, तो एक तो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S, जबकि 80S प्रेजेंट होता है बच्चों ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और तीसरा साइटोप्लाज्म में। इन तीनों जगह पर पाया जाता है 80S। जो ये बार बार 60S 40S लगा रहे हैं, S का मतलब होता है बच्चों स्वेदबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो राइबोसोम की डेंसिटी और साइज को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मेजर करता है। अगर बात की जाए यहां पर 23S आरआरएनए की, तो बैक्टीरिया या मींस प्रोकैरियोट के अंदर 23S आरआरएनए कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, और ये काम करता है एक राइबोसाइम की तरह, और इस एंजाइम का नाम होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफिरेज, और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन हेल्प करता है।
तो बच्चों ये रहा आज की बात राइबोसोम के साथ और राइबोसोम के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो आज की बात का, इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को, और नीट 2021 से रिलेटेड आज की बात लगातार आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बच्चों।